बहुत सारे राइटर्स के मन में एक डाउट हमेशा रहता है कि जब भी वो एक स्क्रिप्ट लिखते हैं, उसके स्क्रिप्ट को उसने लिखा है, लेकिन उन्हें ये मालूम नहीं होता है कि उसमें जो सीन्स उन्होंने लिखे हैं, उसमें जो घटनाएं उन्होंने लिखी है, वो घटनाएं कहीं किसी दूसरे स्क्रिप्ट के साथ या फिर कहीं किसी दूसरे मूवी के साथ मैच तो नहीं हो रही है। तो ऐसा आखिर पता कैसे चले, कैसे एक राइटर को पता चलेगा कि उसने जो घटना लिखी है वो पहले कहीं नहीं दिखाई गई है या फिर पहले ऐसा वर्क नहीं आया है, तो ये कैसे पता चले। तो इसी टॉपिक पर आज का वीडियो बेस्ड है, तो देखते रहिए वीडियो को पूरा लास्ट तक। चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। हाय एवरीवन, मैं हूं आकाश रजक और आप देख रहे हैं आरएस फिल्म्स प्रोडक्शंस। तो देखिए, इसका बहुत अच्छा उपाय मैं आपको बता रहा हूं कि अगर आप एक स्क्रिप्ट राइटर है, आप चाहते हैं कि आपने जो स्क्रिप्ट लिखी है वो किसी भी दूसरे स्क्रिप्ट के साथ मैच ना हो, और आपको ये भी पता चले कि आपकी स्क्रिप्ट जो है किसी दूसरे स्क्रिप्ट के साथ या फिर किसी दूसरे फिल्म के सीन के साथ मैच नहीं हो रही है, तो आपको क्या करना होगा, आपको फिल्में ज्यादा से ज्यादा देखनी होगी। इसका मात्र एक सॉल्यूशन यही है, आपको फिल्में ज्यादा से ज्यादा देखनी होगी। जब भी आपको फ्री टाइम मिले आप फिल्में देखने लगिए। फ्री टाइम मिले मतलब कि आपके वर्क से फ्री टाइम मिले और आपके करियर जो आप बना रहे हैं उस करियर मेकिंग में आपको जब फ्री टाइम मिले, आप कहीं पर बैठे हुए हो तो आप कोई भी एंटरटेनमेंट कर रहे हो, लेकिन सबसे मेन बात यह होगी कि आप फिल्में देखें। फिल्म देखेंगे तो आपका एंटरटेनमेंट भी हो जाएगा, और दूसरी बात यह है कि आपकी जो स्क्रिप्ट राइटिंग में जो आप सोच रहे थे कि ये सीन मैच हो रहा है किसी से कि नहीं मैच हो रहा है, तो ये भी आपको पता चलेगा। कैसे पता चलेगा, कि आप बहुत ज्यादा फिल्में देखे हुए रहेंगे और उसके बाद ये संभावनाएं बहुत ज्यादा बनेगी कि आप किसी भी फिल्म को देखे हुए हो और उस तरह के सीन्स आप अपने फिल्म में नहीं लिखेंगे। तो इसके लिए फिल्में देखना बहुत जरूरी है, और ऐसे भी अगर आप एक स्क्रिप्ट राइटर बनना चाहते हैं तो आपको फिल्में ज्यादा से ज्यादा देखनी चाहिए। जब भी टाइम मिले फिल्म देखिए, नए फिल्मों को भी देखिए, पुराने फिल्मों को भी देखिए, ताकि क्या चल रहा है ये भी आपको पता चले और क्या ऑलरेडी आ चुका है ये भी आपको पता चले। तो फिल्में देखना बहुत जरूरी है, इसका मात्र एक सॉल्यूशन यही है। तो देखिए, अगर आप चाहते हैं कि आपकी फिल्म पर या आपकी स्क्रिप्ट पर कोई भी कॉपीराइट क्लेम ना आए, वो किसी के साथ मैच ना हो, तो आपको फिल्में देखनी होगी। अब सपोज मान लीजिए कि आपने कोई सीन लिख दिया है और वो गलती से किसी दूसरे फिल्म के सीन के साथ मैच हो जा रहा है, तो आपको क्या करना है। तो देखिए, इसमें टेंशन लेने वाली बात नहीं है। अगर वो सीन नॉर्मल होगा, मींस जो नॉर्मल सिचुएशंस होती है वो होगा, तो आपको कोई कॉपीराइट क्लेम नहीं आएगा। देखिए, जैसे सपोज मान लीजिए कि एक एग्जांपल मैं आपको दे रहा हूं कि टेबल पर, डाइनिंग टेबल पर जो पूरा परिवार है वो बैठे हुए है, और उसके बाद दो लोगों के बीच में वही डाइनिंग टेबल पर झगड़ा हो जाती है, और फिर एक जो पर्सन है या दोनों पर्सन है वो लोग खाने के टेबल से उठकर चले जाते हैं। तो ये कॉमन सीन है। अगर आप इस तरह के सीन्स को अपने स्क्रिप्ट में लिखेंगे तो उस पर कोई कॉपीराइट क्लेम नहीं आएगी, क्योंकि ये सीन्स जो है बहुत सारी फिल्मों में पहले दिखाई गई है, लेकिन फिर भी आपको इसमें कॉपीराइट क्लेम नहीं आएगा क्योंकि ये नॉर्मल सीन है, इसमें कॉपीराइट क्लेम नहीं आएगा। तो अगर आप नॉर्मल सीन लिख रहे हैं, आप जनरल सीन लिख रहे हैं, तो आपको कोई कॉपीराइट क्लेम नहीं आएगा। तो अगर मान लीजिए कि आपने कोई ऐसा सीन लिख दिया है जिसमें आपको जो फिल्म निकल चुकी है और उसका ही सेम आपने उठा करके इसमें डाल दिया है, तो फिर आपको कॉपीराइट क्लेम आ सकता है। लेकिन एक यहां पर बात यह भी है कि अगर उस फिल्म को आए हुए लगभग 10 साल गुजर चुके हैं, तो आपको फिर उसकी कंपनी कॉपीराइट क्लेम नहीं देगी, इसकी संभावनाएं बनती है। तो याद रखिए कि अगर कोई सीन या फिर कोई पर्टिकुलर घटना मैच होती है आपके स्क्रिप्ट के साथ, तो वो जो घटना है वो आपकी स्क्रिप्ट के साथ मैच होने के बावजूद भी आपको कॉपीराइट क्लेम नहीं आएगा, इसके चांसेस बनते हैं अगर फिल्म जो है वो रिलीज हुई लगभग 10 साल बीत चुके हैं। तो अगर 10 इयर्स बीत चुके हैं तो फिर कॉपीराइट क्लेम आने के चांसेस बहुत कम है। लेकिन हाँ, इसका मतलब ये नहीं कि आप 10 इयर्स पहले जितनी भी मूवीज रिलीज हुई है उससे आप सीन्स को उठाए और उसके सीन्स को आप कोशिश करें अपने फिल्म में डालने की, या सब गलती बिल्कुल ना करें। मैं एक कोइंसिडेंस की बात कर रहा हूं, अगर बाय चांस मैच हो जाती है तो संभावनाएं कम होंगी, जानबूझकर आप ये गलती ना करें। तो उम्मीद है कि आपको बातें समझ में आ गई होंगी, तो जल्दी से कर दीजिए वीडियो को लाइक और शेयर। और मैंने एक ऑनलाइन स्क्रिप्ट राइटिंग का कोर्स लॉन्च किया है जिसका नाम है A to Z स्क्रिप्ट राइटिंग कोर्स। आप उस कोर्स को घर बैठे ज्वाइन कर सकते हैं व्हाट्सएप के जरिए, और उसमें आपको प्रोफेशनल स्क्रिप्ट राइटिंग सिखाई जाएगी। उस कोर्स को जब आप कंप्लीट कर लेंगे तो आपको एक सर्टिफिकेट भी दिया जाएगा, वो सर्टिफिकेट आपको काम आएगी जब आप प्रोड्यूसर से मीटिंग करने जाएंगे, तब आप प्रोड्यूसर्स को वहां पर कन्विंस कर पाएंगे। तो उस कोर्स को आप जरूर ज्वाइन कर लीजिए। ज्वाइन करने के लिए आपको स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर कॉन्टैक्ट करना है। तो फिर मिलते हैं हम लोग एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।
अगर आप एक प्रोफेशनल फिल्म स्क्रिप्ट राइटर बनना चाहते हैं तो आप फिल्म राइटर डायरेक्टर आकाश रजक द्वारा डिजाइन की गई ऑनलाइन स्क्रिप्ट राइटिंग कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं। इस कोर्स का नाम है A to Z स्क्रिप्ट राइटिंग कोर्स, जिसे आप अपने घर बैठे व्हाट्सएप की मदद से कर सकते हैं। 4 महीने के इस कोर्स में आपको स्क्रिप्ट राइटिंग की छोटी से छोटी बारीकियों और बड़े से बड़े टॉपिक को वीडियो के माध्यम से एग्जाम्पल सहित सिखाया जाएगा। कोर्स की सिलेबस स्क्रीन पर दिखाई जा रही है। इस कोर्स को हर उम्र के लोग कर सकते हैं जो हिंदी लिखना और पढ़ना जानते हैं। कोर्स के दौरान अगर आपको कोई भी डाउट होती है तो आप हमें व्हाट्सएप या कॉल करके अपने डाउट को क्लियर करवा सकते हैं। इस कोर्स को कंप्लीट सीखने, समझने और प्रैक्टिस करने के बाद आप एक प्रोफेशनल फिल्म स्क्रिप्ट राइटर बनकर सफलता की बुलंदियों को छू सकते हैं। A to Z स्क्रिप्ट राइटिंग कोर्स को ज्वाइन करने के लिए या अधिक जानकारी लेने के लिए आप स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं। धन्यवाद।